नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित मेरा ये नया वीडियो है और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कोशिश करिएगा लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको गर्मी की छुट्टियों में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं 20 मई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 15 जून तक का। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, समय आपका नहीं गंवाते हैं, इस पे वीडियो पे हम आ जाते हैं। देखिए, ग्रीम छुट्टियां सबको पसंद है और पता लगेगा आपने कोई सूचना नहीं जमा की है और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा है, फिर आप सूचना जमा कर लीजिए तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी सूचनाएँ जमा करनी है। तो सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक जो है एक ज़रूरी काम कम्प्लीट करने के बाद ये सूचना जो है जमा करनी है। सूचना कौन सी है इसके बारे में ये वीडियो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया ये देखिए, ये किस सब में जनपद का नाम ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जहाँ यहाँ मीटिंग रखी गई है वो ज़रूरी वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हो सकता है आप लोग किसी और ज़िले से हो। तो ये जो बिंदु है, ये सूचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर एक जो पहला बिंदु है, नवीन नामांकन कक्षा एक में, 2 से 3 में नवीन नामांकन, कक्षा 6 में कुल नामांकन, 6 और 7 में कुल नवीन नामांकन कितना हुआ, इसके बारे में बात करनी, मतलब स्कूल में जितने भी क्लास में अगर आपके नामांकन किया हो उसकी संख्या देनी है। नंबर दूसरा जो है इसके बारे में बात कर लें, नंबर दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सूचना नहीं देंगे तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा छुट्टियों में। मंगा MDM उपभोग और फल का उपभोग जो है देना है। अभी एक सूचना मांगी गई थी कि फरवरी मार्च अप्रैल तक का देना था, ठीक है, तो ये हो गया। अप्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण व आधार सत्यापन निम्न प्रारूप, तो पूर्व पंजीकृत छात्रों का आधार सत्यापन, नवीन नामांकित छात्र, नवीन छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पंजीकरण, नवीन छात्रों का आधार सत्यापन, तो ये एक बिंदु हो गया। अब देखिए, कायाकल्प में जो 19 पैरामीटर हैं, यदि कोई आंशिक हुआ है तो उससे संबंधित प्रार्थना पत्र जो है देना, ठीक। आगे, गत वर्ष DBT के माध्यम से कितने बच्चों ने धनराशि प्राप्त की और उनमें से कितने बच्चों को निःशुल्क सामग्री क्रय किया, इसके बारे में जानकारी देनी है। आधार नामांकन का जो एक प्रारूप है उससे संबंधित ये सूचना देनी है, ये सूचना देख लीजिए। विद्यालय में पंजीकृत छात्र कितने, आधारयुक्त छात्रों की संख्या, आधार विहीन छात्रों की संख्या क्या है। चलिए आ जाते हैं 7वें पॉइंट पर, SMC का नवीन खाता बैंक ऑफ बड़ौदा खोलने की स्थिति, जो कि कोई खोला नहीं है अभी तक, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है जिसने खोला है। चलिए आगे चलते हैं, चार दीवारी विहीन विद्यालय के बारे में है, आवश्यकता रनिंग मीटर ये सब जहाँ मतलब ज़रूरी हो, जहाँ बाउंड्री ना हो उस मांग करने के लिए है। खेल कूद मद में क्रय सामग्री है और 18-19 से संलग्न करें, ठीक है। आगे, कंपोजिट ग्रांट का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 निम्न प्रारूप पर जो है देना है, प्राप्त राशि, व्यय राशि और विवरण, संक्षिप्त विवरण दे दीजिएगा इसके बारे में है। कंपोजिट राशि जो पिछले सत्र किया है उसके बारे में जो है देनी है सूचना। तो और देखिए, 5 मिनट का समय SMC ये वहाँ का है, और ये वहाँ का जो है मसौली का है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें वहाँ का है तो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये जो 10 पॉइंट दिए गए हैं ये सूचनाएँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगा कि आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि आप भी टीचर हैं, और ये 10 पॉइंटों से संबंधित, और ये हाउस होल्ड सर्वे वाली बात भी है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड सर्वे आपने किया है कि नहीं किया है। अगर हाउस होल्ड सर्वे नहीं किया है तो आपको हाउस होल्ड सर्वे हो सकता है जमा करना पड़े, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और नमस्कार।